अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स का लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम आज वाईफाई नेटवर्क को सेटअप करना सीखेंगे। कल हमने वायर्ड नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन को सीखा था, समझा था कि वो कैसे बिल्ड किया जाता है, उसके लिए क्या हार्डवेयर यूज़ होता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा वाईफाई नेटवर्क किस तरह सेटअप होता है। वाईफाई नेटवर्क को सेटअप करने के लिए, 1 मिनट, स्लाइड नंबर। वाईफाई नेटवर्क को सेटअप करने के लिए जरूरी है कि जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से हमें इंटरनेट मिल रहा है उसकी स्पीड अच्छी हो, हाई स्पीड हो, और ताकि वो अच्छा वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि ये वायरलेस नेटवर्क है तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलता है और इसमें वायर वायर नहीं होती है, तो ये कनेक्शन जो है वो आपको पता ही है कि वेव्स के थ्रू से थ्रू ये कनेक्शंस बन रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्डवेयर नहीं होता, मतलब हार्डवेयर कोई केबल नहीं होती है जिसकी वजह से आपको कि जी एक सिग्नल चलना शुरू है तो वो इसके एक केबल में से होता हुआ आपके एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक चला जाएगा। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है। जो हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है वो हमारे लैपटॉप्स को, घर में रख डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उनको इंटरनेट से सेम टाइम में कनेक्ट कर लेता है। और इसके लिए हमें इथरनेट केबल की इस तरह से हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ इथरनेट केबल को हम अपने मॉडेम से राउटर को कनेक्ट करने के लिए, जो कि वायरलेस राउटर होता है, फिर वायरलेस राउटर को मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए हमें इथरनेट केबल की जरूरत पड़ती है। इथरनेट बेसिकली होता है क्या है? इथरनेट होता है जो ये वो टेक्नोलॉजी है और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जो के डिवाइसेस को कनेक्ट करती है लोकल एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली वो होता है जो एक ही बिल्डिंग में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो 3 से 4 बिल्डिंग्स जो के करीब करीब सिचुएटेड होती हैं उनमें जो है ना, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी को समझ लें कि एक यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी कंप्यूटर लैब है और उस कंप्यूटर लैब में, एक कंप्यूटर लैब में आपके 30 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें ही होता है कि वो जो 30 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए हैं ना वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। लेकिन एक और आपके यूनिवर्सिटी में की एक और बिल्डिंग है, वहाँ पर एक और कंप्यूटर लैब है, तो जो एक बिल्डिंग की कंप्यूटर लैब है वो दूसरी बिल्डिंग की कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो उनका जो कनेक्शन है, उनका जो एक नेटवर्क बन रहा है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो वो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो नेटवर्किंग के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं, जिससे जो के सेट ऑफ रूल्स होते हैं या कॉमन नेटवर्क लैंग्वेज होती है। सेट ऑफ रूल्स आप इसी तरह समझ लें जैसे एक कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और वो फिर प्रोसेसेस होते हैं और फिर उसकी आउटपुट निकलती है, इसी तरह नेटवर्क में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स चल रहे होते हैं जिनके थ्रू जो है ना वो डिवाइसेस में या कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही होती है, डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, डेटा सेंड और रिसीव हो रहा होता है। ठीक है, ये सब होता है। अच्छा जी, हमें जो है वो वायरलेस नेटवर्क के लिए, वाईफाई के नेटवर्क के लिए जरूरी होता है कि हम यूज भी फिर वायरलेस राउटर करते हैं। मैंने आपको कल जो हमारा वायर्ड नेटवर्क था उसमें बताया था कि मॉडेम और राउटर जो है वो यूज होता है, उसमें भी राउटर से बेसिकली वो वायर्स के थ्रू डिवाइसेस कनेक्टेड हुई होती हैं, लेकिन क्योंकि ये हम वायरलेस नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा जो राउटर है वो वायरलेस होगा, उसमें एंटीनास होंगे और उनके थ्रू जो रेडियो वेव्स निकल रही होंगी तो बाकी डिवाइसेस को वो सिग्नल्स पहुंच रहे होंगे और उन सिग्नल्स के थ्रू डिवाइसेस में जो है हमारा इंटरनेट आ जाएगा और इंटरनेट के थ्रू वो जो है डिवाइसेस आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकती हैं। जैसे कि इसमें आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है कि जो डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू वाईफाई सिग्नल्स जो इंटरनेट के उसे मिल रहे हैं
वो पूरे वो जो राउटर की वजह से पूरे घर में वो सिग्नल्स फैले हुए हैं। अच्छा, और आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जो राउटर की वायरलेस राउटर की मंथली फीस भी लेता है। मैंने आपको कल बताया था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो आपके घरों में आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं। अगर आपने इससे पहले कोई मतलब आपको नहीं पता कि जो वाईफाई का कनेक्शन है या वाईफाई नेटवर्क है वो कैसे डेवलप किया जाता है, तो आज हम इसमें यही सीखने लगे हैं। अब नेक्स्ट हम यही देखेंगे कि कैसे कनेक्ट होता है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे केबल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है वायरलेस उसमें नेटवर्क में। अब जब आपके पास एक वायरलेस राउटर आ गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने अपना जो इंटरनेट का मॉडेम है उससे आपने वायर के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उस राउटर को सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे और वो वेव्स जो है वो जनरेट करने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो इथरनेट केबल है उसको आप इथरनेट केबल के थ्रू, यही मैंने आपको बताया था कि आप अपने मॉडेम और वायरलेस राउटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम जो पावर केबल है उसको अपने वायरलेस राउटर की पावर केबल को प्लग इन करेंगे ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर दे सके। और एटलीस्ट हमें 30 to 60 seconds वेट करना होता है, और उसके बाद जब राउटर की लाइट्स वगैरह ऑन होना शुरू होती हैं और आपकी जो वैन की एक बल्ब होता है VAN वैन वाला जो बल्ब होता है वो ब्लिंक करने के बजाय स्टेबल होना शुरू हो जाता है, स्टेबल रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका राउटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखिए कुछ इस तरह का होता है। ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इंटरनेट का एक पूरी दुनिया है। ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको जो है ना वो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका वायरलेस राउटर है, और ये राउटर आपके लैपटॉप से कनेक्ट हुआ हुआ है थ्रू रेडियो एक्टिव वेव्स की, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स की वजह से। तो फिर आपका पूरा एक जो है ना इंटरनेट का एटमोसफेयर क्रिएट हो गया है। अब आप कोई भी डिवाइस, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या आपका डेस्कटॉप पीसी हो गया, या आपका टैब हो गया, आप कुछ भी उससे कनेक्ट कर सकते। अच्छा जी, अब हम बेसिकली जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है सारे प्रोसेस में, और इसके लिए जो है नॉर्मली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को यूज़ किया जाता है, और उसमें हम एक यूनिक नेम रखते हैं अपने राउटर का और उसको एक पासवर्ड भी देते हैं। वायरलेस नेटवर्क होता है तो चूंकि वो वायरलेस होता है, वेव्स आपके घर से बाहर भी जा सकती हैं, दूसरे घर में भी जा सकती हैं, तो अगर आपने उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं किया हुआ होता है तो आपका वाईफाई या आपका वायरलेस का नेटवर्क दूसरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और वो यूज़ कर करके उनके जो पैकेज होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और जब आपको ये मतलब एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का कि उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना पड़ता है के दूसरे जो अननोन पर्सन है वो उसको यूज़ करता रहे, और फिर जब आपको ज़रूरत है इंटरनेट यूज़ करने की तो आपके पास ना हो इंटरनेट का पैकेज। इसलिए ज़रूरी होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि एक यूनिक नेम होता है और उसका एक पासवर्ड होता है। तो अब आप जो है अपना वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं और उसमें अपना राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस देते हैं एड्रेस बार में, और फिर एंटर करते हैं तो जो राउटर की इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो इंफॉर्मेशन होती है, और जो उसमें कॉमन एड्रेसेस होते हैं जो आईपी एड्रेसेस कहलाते हैं, उसमें ये तीन एड्रेसेस जो है ना वो कॉमनली यूज किए जाते हैं आपको नेटवर्क पर एक्टिवेट करने के लिए। 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.2, ये जो है ना आईपी एड्रेसेस, ये एक अलग बहुत एक वास्ट टॉपिक है आईपी एड्रेसेस का और इनकी प्रोटोकॉल्स का,
तो लेकिन अभी बस आपके लिए इतना समझना काफी है कि ये वो कॉमन आईपी एड्रेसेस होते हैं जिनके थ्रू आपकी डिवाइस को, आपके राउटर को और आपके कंप्यूटर को नेटवर्क पर रिकग्नाइज किया जाता है। एक ये होता है आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस होता है। वो मैं यही बता रही हूँ आपको कि वो एक बड़ा और वास्ट टॉपिक हो जाता है। तो उसके थ्रू जो है आपकी जो डिवाइस होती है वो इंटरनेट के नेटवर्क में शामिल हो जाती है और फिर वो सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकती है आपकी डिवाइस, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, जो और लोग इंटरनेट पर रहते हुए कर रहे होते हैं। अच्छा, राउटर के में साइन इन पेज अपियर होता है और फिर उसमें साइन इन डिटेल्स इंक्लूड की जाती हैं और जो आपके राउटर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके थ्रू, और फिर राउटर जो है वो एक उसका स्टैंडर्ड यूजर नेम और पासवर्ड जो नॉर्मली दिया जाता है वो एडमिन का दिया जाता है और पासवर्ड को पासवर्ड ही कर दिया जाता है। लेकिन ये के नॉर्मली एडमिन में आप अपने, जैसे मेरा जो घर में वाईफाई का नेटवर्क लगा हुआ है उसमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों ने उसका नाम TNC रखा हुआ है तो वो TNC है, लेकिन हमने पासवर्ड खुद से सेट किया हुआ है। तो आप अपना पासवर्ड जो एक बाय डिफॉल्ट पासवर्ड उन्होंने बना कर दिया है, या आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के टेक्नीशियन को बोल सकते हैं कि मैं अपनी मर्जी का ये पासवर्ड रखना चाहता हूँ तो ये चेंज कर दें, या फिर वो खुद से एक कॉमनली याद रहने वाला पासवर्ड उसको दे देते हैं। उसके बाद जो राउटर की सेटिंग्स वाला पेज है वो आपके सामने अपीयर होता है। उसमें आप लोकेट कर सकते हैं और फिर सेलेक्ट कर सकते हैं कि नेटवर्क नेम क्या होगा। यही मैंने अभी आपको बताया था कि फिर उस नेटवर्क नेम को आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी यूनिक नेटवर्क नेम रख सकते हैं और कोई भी यूनिक नेटवर्क पासवर्ड आप रख सकते हैं। तो उसमें यही होता है कि आपके पास जो है वो इन आपको जो है इंक्रिप्शन ऑप्शंस भी चूज करनी होती हैं कि आपके आप जो है ना मोस्टली जो कॉमनली इंक्रिप्शन ऑप्शन या टाइप यूज की जाती है वो VPA2 की जाती है। और ये जो है मोस्टली ये बहुत जनरली बहुत सेफ और सिक्योर ऑप्शन रिकमेंड की जाती है, कंसिडर होती है। इसमें आपका डेटा सिक्योर रहता है, आपकी कम्युनिकेशन सिक्योर रहती है, आपके ट्रांसफर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो सिक्योर होती हैं, कोई बीच में आपका नहीं इंटरप्ट कर सकता। और आपने जो भी अपना पासवर्ड रखना है, जो भी रखना है उसको बड़ा सोच समझ के रखें ताकि आपको याद रहे और आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। इसके बाद जब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने अपनी सेटिंग्स को सेव लाजमी करना है। सेव किए बगैर आप अपनी सेटिंग्स को नहीं बरकरार रख सकते और फिर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, इस तरह से बस हमारा ये सारी सेटिंग्स करने के बाद, जो कि बहुत इजी है, इसके बाद हमारा वाईफाई नेटवर्क हमारा कनेक्ट हो जाता है। और उसमें फिर हमने उसकी चेकिंग के लिए, हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने कंप्यूटर की नेटवर्क सेटिंग्स एक दफ़ा सर्च कर लें और जो हमारा नेटवर्क है उसको सर्च आउट करें कि आया वो हमें नज़र आ रहा है। और उसमें जो है और उसके बाद आप अपने ब्राउज़र में जाएं, जैसे मैंने आपको बताया था वेब ब्राउजर्स जो होते हैं, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एज हो गया, ओपरा हो गया, सफारी हो गया, आप उसमें जाके एक नॉर्मली लोग www.google.com या आप अपना कोई भी वेबसाइट जाकर सर्च करें और वो सक्सेसफुली अगर ओपन होता है तो इसका मतलब है कि आपका वाईफाई का कनेक्शन बिल्ट हो चुका है, वो वर्क प्रॉपरली कर रहा है। तो और ये आप देख लें कि इस तरह से ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है जिससे आपको हम समझा रहे हैं कि ये वायरलेस नेटवर्क किस तरह क्रिएट होता है। देखिए, एक कोई भी नेटवर्क है उसके लिए एक इंटरनेट का टॉवर लाजमी चीज है, जिससे आपके सिग्नल्स जो हैं वो एक टॉवर से दूसरे टॉवर तक पुश होते हैं और उसमें फिर वो सिग्नल्स, वो इंटरनेट के सिग्नल्स, सारा नेटवर्क आप अपने ISP से लेते हैं। वो ISP आपको राउटर और मॉडेम
देता है। राउटर से आपके अपने घर के अंदर वो सिग्नल सर्कुलेट करते हैं और फिर आप अपनी डिवाइसेस पर इंटरनेट को यूज कर सकते हो। ये एक जर्नल्स एक ओवरव्यू था, एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन थी होम वायरलेस नेटवर्क की। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं समझ आ गया सर। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।